बारामूला जिले में हुए ग्रेनेड हमले के मुद्दे को लेकर बाबा चंचल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद इंडिया आर्मी, जिंदाबाद इंडिया आर्मी, जिंदाबाद बेल्ट फोर्स, जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान की निंदा करता हूं जो कि हमारे जनता पर हमले करवा रहा है पाकिस्तान उग्रवादियों के। और मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान आपने सुधरना चाहिए। अगर हिंदुस्तान ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो आपकी बर्बादी जो है वो तय है, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आपने अपनी जनता के लिए काम करना चाहिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा जो है वो नहीं करवाना चाहिए। और जो आप उग्रवादियों के हमले हमारे जम्मू कश्मीर पर जनता पर करवा रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बाकी मैं उग्रवादियों को मिल डंटों को ये खुल के बता देना चाहता हूं, जे भूल जाओ आपके बाप बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, आपके बाप जे भूल जाओ लोगों को परेशान करना, जे गिद्दर धमकी देना, हम आपके बाप हैं बाप। बाबा चंचल सिंह जिंदाबाद, बाबा चंचल सिंह जिंदाबाद। आप धमकी दे रहे हो वीडियो के थ्रू, हम जे करेंगे वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा। लेकिन अगली बात मैं ये बता देता हूं, पीओके भी हम आप लोगों से लेके छोड़ेंगे। पीओके जो है वो लेकर ही रहेंगे। एक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमें जरूर देना चाहिए। और मैं जम्मू कश्मीर की पूरी भारत के जनता के आगे जो अपील करता हूं, ऐसे लोगों को जूतों का हार डाल के इनके पुतले बना के जला देने चाहिए, इनको जूते मारने चाहिए जो गड़ी। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक डू फॉलो आवर फेसबुक पेज। क्या काम करें।